प्यारे यीशु को पास बुला ले, नार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। देखो कितना खुशबू है ना, खुशबू। एक छोटा सा एक जैस्मिन फ्लावर है। मैं इधर आजू बाजू अभी कहाँ से आता है इतना अच्छा खुशबू। अभी हम इसके बारे में क्या सोचेगा? सबसे पहले सोचना चाहिए, ये प्रभु तुम कितना सुंदर और तुम्हारा खुशबू कितना होगा। ये एक क्या आप नहीं तो जिन दुनिया का कोई भी कंप्यूटर है बना सकता क्या? ये किसका बनाया है? प्रभु। यही आज हमारा विषय है, प्रभु का ज्ञान। हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना में हम क्या क्या प्रार्थना करना चाहिए, प्रज्ञा ग्रंथ में, प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 13, प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 13 5 में, प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 6 अध्याय 13, प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 13 5 में लिखा है, क्योंकि सृष्ट वस्तुओं की महानता और सौंदर्य के आधार पर इनके निर्माता का अनुमान लगाया जा सकता है। देखा क्या लिखा है, सब लोग दोहराइए, क्योंकि सृष्ट वस्तुओं की महानता और सौंदर्य के आधार पर इनके निर्माता का अनुमान लगाया जा सकता है। अभी देखिए, ये जो फूल सृष्ट वस्तु है, जो लोग ये वीडियो देखने वाला है आपको तो मेरा आवाज़ सुन सकता है, लेकिन एक फूल का खुशबू तो नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन आप क्या कर सकता है, अनुमान कर सकता है। ये जैस्मिन, इसी से ये जैस्मिन को हिंदी में क्या बोलेगा? एक आदमी बोलिए, मुकड़ा, बू, मुकड़ा, जैस्मिन। ये तो अनुमान कर सकता है, ये ईश्वर कैसे इसको बनाया। तो दूसरा तरीका से इसको हम ये बोलता है कि वही है ईश्वर का ज्ञान, वही है ज्ञान। देखो मैं
साढ़े तीन बजे उड़ा और साढ़े चार बजे मेरा पहला लाइव स्ट्रीम किया मलयालम में, साढ़े चार पौने पाँच बजे तक, उसके बाद पौने पाँच पर अंग्रेज़ी में, वो करीब करीब साढ़े छः बजे ख़त्म हो गया। देखो ये जो एक टेलीविज़न प्रोग्राम मैं करता है तो दूसरा कोई नहीं है मेरे साथ वहाँ पर, कैमरा मैन मैं हूँ, लाइट मैन मैं हूँ, माइक मैन मैं हूँ और कंप्यूटर वाला सब कुछ मैं ही करता हूँ और मैं ही प्रवचन देने वाला भी है। एक दिन एक टेलीविज़न का लोग आके मेरे स्टूडियो आके देखा, बोला कि इधर कोई नहीं है क्या? नहीं, तो ये सब कौन करेगा? वो सब मैं ही खुद करता है। ये सब आप अकेले करता है क्या कोई? और काम हो गया, सब कुछ बांध के दो बक्सा में लेके मैं चलता है, दूसरा जगह पर आके पूरा निकाल के लगा दिया, कैमरा चालू, वीडियो चालू, यूट्यूब चालू, प्रवचन चालू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब कैसे मुझे मालूम पड़ा? ये सिर्फ प्रार्थना और ज्ञान है, ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान। मैं तो किसी को नहीं देखा, कोई भी एक प्रवचन देने वाला उसका कैमरा कंधा में लेकर लाइट भी सब लेकर जाता है और ये सब एक साथ करता है, मैं किसी को नहीं देखा। आप देखा क्या? मैं इसलिए कहना चाहता है कि हमारा जिंदगी में रोजानी कितना परेशानी है, मुझे कुछ परेशानी नहीं है। कुछ भी दुख तकलीफ परेशानी होता तो भी वो मुझ में नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। ये मेरा पत्नी बोलता कि इसको कुछ भी होगा तो कुछ असर नहीं पड़ता है, क्या आदमी है तू? कितना भी परेशानी होगा तो इनको कुछ असर नहीं पड़ता है। क्या तुम पत्थर है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत पत्थर है, लेकिन प्रभु का पत्थर है। हमारी जीवन प्रभु ने ऐसा बनाया, हमारे ज्ञान से नहीं चलना, प्रभु के ज्ञान से चलने के लिए हमारा जीवन प्रभु ने बनाया। मैं जब एक नौजवान था, शुरू में मैं, मेरा सबसे पहला नौकरी बहुत बड़ा टाटा कंपनी में था, टाटा का स्टील प्लांट में था, जमशेदपुर में। मैं एक छोटा लड़का, मतलब आज का जमाना एक 22-23 साल के उम्र, और वहाँ पर जर्मनी से एक बड़ा मशीन आया है और जर्मन इंजीनियर आया है उसको सब काम कराने के लिए, और मुझे छोटा इंजीनियर करके उनके साथ दे दिया। हम लोग एक महीना दिन रात काम किया और वो मशीन को सब असेंबल कर दिया, लेकिन चलता नहीं है। सब लोग अचंभे हो गए, जर्मनी से मशीन आया है और ये जर्मन इंजीनियर, उस जमाने में ऐसा फोन नहीं था, एक जर्मनी को फोन करना मतलब बहुत पैसा खर्चा होता है, बहुत समय ठहरना पड़ता है कि एक कॉल मिलने के लिए। और वो वहाँ का लोगों के सब बातचीत किया, बहुत कुछ कोशिश किया, मशीन नहीं चला और वो वापस चले गया। आज मैं जर्मनी में है तो मुझे मालूम है वो कितना बुरा बात है कि एक जर्मन जो काम नहीं करते वापस आया। वापस चले गया। मेरा तो जिम्मेदारी नहीं था, फिर भी मैं उसके साथ जो काम किया तो उसके साथ एक हो गया। इतना काम किया लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ, तो मैं दूसरे दिन कुछ करना नहीं है तो मशीन के पास जाके बैठा
बेटा तो मुझे ऐसा मन में आया, एक महीना इतना मेहनत किया, अब ये मशीन नहीं चलता है, उसका कारण क्या है किसी को मालूम पड़ी, जो मशीन बनाए वाला जर्मन इंजीनियर को भी मालूम पड़ा है, ये कैसे चलाएगा। तो मुझे ऐसा एक विचार आया, ईश्वर को जरूर मालूम होगा। क्या विचार आया, इसका खराबी क्या है, इसको कैसा चलाना है, उसका ज्ञान ईश्वर को जरूर होगा। ये मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है, ये कितना करीब 50 साल का पहले का बात बोलता है, 50 साल का पहले का। और मैंने प्रभु से, प्रभु हे प्रभु, हे ईश्वर, हे पवित्र आत्मा, हे प्रभु यीशु, मुझे सहायता कीजिए, ये मशीन कैसे चलाएगा, इसका क्या खराबी है। और मुझे एक दर्शन के रूप में प्रभु यीशु मुस्कुराते हुए देखा, और वो क्या कहा मालूम है, आगरी में तुम मेरे पास ही आ गया। अच्छा बेटा, अभी तुमको मेरा जरूरत है ना, जब सब कुछ नहीं चलता तो तुम मेरे पास आ गया। मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ बेटा आग्रह में तुम मेरे पास आ गया। तो मुझे बहुत अच्छा हुआ, हाँ तो जरूर 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 अभी प्रॉब्लम का सुझाव होगा, अभी जरूर मुझे उत्तर देगा। और प्रभु ने कहा, तुम पहले ही मेरे पास आता तो कितना अच्छा होता था। यही हमारा प्रॉब्लम है, हम अपना दिमाग से सब कुछ करके देखता है, उसके बाद प्रभु के पास जाता है। और मैं माफी मांगा, मुझे क्षमा कर, मुझे उतना ज्ञान नहीं है प्रभु, अभी से मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं हमेशा रोज प्रार्थना करूँगा ज्ञान के लिए, आपसे पूछेगा जो भी करने के पहले, अभी मुझे बताइए, जल्दी बताइए, अभी क्या करना है बताइए। तुरंत बता दिया, तुरंत ऐसा एक ज्ञान मिला, देखो ऐसा करके देख करना है। और मुझे इतना मुझे पक्का मालूम हुआ कि यही सही बात है, यही होगा। मैं डाउट कर हमारा ऊपर वाला इंजीनियर के पास जाके बोला, देखो ये मशीन चलाने का आइडिया मिला है बोला। तब वो बोला, अरे क्या तुमको आइडिया मिला, वो जर्मन इंजीनियर से नहीं होता है, फिर तुम इंडियन को क्या होगा। तब मैंने कहा, अरे आप तो सुन के आज थोड़ा मेरा सुनो ये बात तो थोड़ा सुनो। अच्छा अच्छा बैठो सुनाइए। और वो सुनने के बाद वो भी जंप किया, चलो जल्दी जाएगा करके देखेगा। और हम लोग दोनों दौड़ कर मशीन के पास आके लोगों को बुलाकर जो आइडिया प्रभु ने कहा था वो करीब एक घंटा में हम लोग कर दिया। करके फिर बटन दबाया, मशीन चलने चालू किया। और तुरंत हम लोग टेलीग्राम भेजा जर्मनी को, खबर दिया कि वो लोग पूछा है कि अरे कैसे हुआ, थॉमस पोल। और वो जर्मन इंजीनियर वापस आ गया, जर्मनी से फिर वापस आ गया, अरे तुम कैसे है। मैं पहले तो नहीं बताया, उसके बाद मैं बताया कैसे मिला है। और मुझे डबल इंक्रीमेंट मिला, मतलब ज्यादा सैलरी मिला और प्रमोशन मिला, सब लोग
उसके बाद किधर भी कारखाना में जो प्रॉब्लम किसी से नहीं होता है, थॉमस, थॉमस को बुलाओ, थॉमस, थॉमस। ऐसा एक का हो गया, नहीं होता है क्या आपसे, नहीं होता क्या? अच्छा कोई बात नहीं, थॉमस को बुलाओ। और मुझे कुछ भी नहीं मालूम होता है वो फलाना मशीन के बारे में, लेकिन मैं बोलेगा मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं वहाँ पर आके बोलेगा हे प्रभु ज्ञान दीजिए, आप सब कुछ जानने वाला है, आप कौन है, आप सब कुछ बनाया वाला है। पचास साल से अधिक हुआ मैं रोज इस ज्ञान के लिए प्रार्थना करता है। और मेरा शादी हुआ तो मैं मेरे पत्नी से कहा, देखो अगर हमारा पहले बच्चा लड़की है तो उसको ज्ञान ऐसे नाम देगा। तो मजाक किया, लेकिन उसका नाम हम लोग विद्या, विद्या है, मेरा लड़की का नाम विद्या, विद्या मतलब हमारा ज्ञान। और वो जब करीब 8 क्लास में पढ़ती है तब वो सब विषय में फेल हो गया। और प्रिंसिपल सिस्टर ने बुलाया है, तुम माँ बाप को बुला के लाओ। तो मेरा पत्नी मुझे मजाक उड़ा के, देखो आपका ज्ञान का रिजल्ट। तो मैं देखा तो ये तो बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी मार्क नहीं मिलता है, बहुत कोशिश करता है, दिन रात पढ़ता है, मेहनत करता है, लेकिन रिजल्ट नहीं, पास नहीं होता है। तो मुझे ऐसा आइडिया मिला, इनको पवित्र आत्मा का जरूरी है, ये मेहनत सिर्फ करने से नहीं होता है, पवित्र आत्मा का ज्ञान, वो जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी सही है, वो उनको याद दिलाना पड़ेगा। तब मैं स्कूल में, मुझे बुलाया तो उधर गया, प्रिंसिपल सिस्टर से मैंने कहा, देखो मैं प्रभु का काम में लगा रहता है, मेरा एक सुझाव है, इसको एक हफ्ता का छुट्टी दे दो। तो मुंबई में ऐसा डिवाइन रिट्रीट सेंटर है, मुंबई में भी ताबोर डिवाइन रिट्रीट सेंटर, वहाँ पर भी मैं प्रवचन देता था उस वक्त, एक हफ्ता इसको छुट्टी दे दो, मैं उसको एक शिविर में, एक बिंदी उपवास का साधना में पवित्र आत्मा का ज्ञान के लिए प्रार्थना करने के लिए भेजेगा। वो सिस्टर तो मुझे बहुत गुस्सा किया, बहुत गुस्सा किया, बोला कि अभी अभी उसको सब में फेल है, अभी एक हफ्ता वो क्लास में नहीं आया तो क्या होगा आपको मालूम है, और उसके बाद आके वो सब नोट। मैं बोला आप वो सब सही है, लेकिन प्रभु का ज्ञान मिलेगा तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर में मैंने कहा, देखो मैं इसका पिताजी है, मेरा बात आप सुनो। ऐसा बोला, मैं तो बच्चा का बाप है। तो प्रिंसिपल से मैंने कहा, आप मेरी बात थोड़ा सुनो, ये मुझे जरूर चाहिए। अच्छा जो भी करो, ऐसा बोला। मैं उसके बोला, देखो ये बिंदी बॉस साधना में आप भाग लेगा, आप खास करके यही चीज मांगना है, पवित्र आत्मा को मांगना है, और पवित्र आत्मा का ज्ञान, बुद्धि, ज्ञान के लिए मांगना है। और सचमुच ऐसा किया। और दूसरा बाद एग्जाम में सब में उनको अच्छा मार्क मिला। हालेलुया। और अभी वो कौन है, वो एक थियोलॉजियन है, थियोलॉजी, थियोलॉजियन, थियोलॉजी को हिंदी में क्या बोलता है, थियोलॉजी है क्या, शास्त्र,
थियोलॉजी बोला तो धर्मशास्त्र है, देवशास्त्र वो तो मलयालम जैसे लिखता है। क्या बोला? देखिए अभी मेरा ये सुझाव आप ले लिए और सुबह रोज कुछ देरी व्यक्तिगत प्रार्थना में प्रभु का ज्ञान, ऐसा इस नबी का ग्रंथ में भी लिखा है। देखो ऐसा का किताब खुला तो वही मिला, ऐसा का पत्र, ऐसा का ग्रंथ, ऐसा का ग्रंथ अध्याय 11, ऐसा का ग्रंथ अध्याय 11 एक से लेके यही है ना, ऐसा है अध्याय 11 3 से लेके पढ़िए, 3 से लेके। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा, ओ नहीं नहीं उसके उसके पहले है, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा। आने वाला मसीह के बारे में प्रवचन है, जो आने वाला मसीह में क्या होगा, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल बी अपॉन हिम, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा, वह न तो जैसे तैसे न्याय करेगा, तो उसमें 7 पवित्र आत्मा का 7 वरदान है। ये सबसे बड़ा चीज है, पवित्र आत्मा का 7 वरदान, 7 दान। क्या क्या है? प्रज्ञा, दोहरे हाथ उड़ा के दोहराइए, प्रज्ञा तदा बुद्धि का आत्मा, सुमति तदा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तदा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा, और एक भी है, और एक बार, प्रज्ञा तदा बुद्धि का आत्मा, सुमति तदा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा, ये 7 कार्य है इसमें, ये यही है हमारा दृढ़ीकरण संस्कार। दृढ़ीकरण संस्कार में बिशप हमें आशीष देते वक्त ये पवित्र आत्मा के द्वारा ये हमें मिलता है, लेकिन ये मिलता है मतलब ये रोज प्रार्थना करना चाहिए, रोज। जैसा जीवन जल का स्रोत मुझ में बहा दो, अब ये बात भी याद रखना, जीवन जल ये कैसे में कैसे, क्या समझता है जीवन जल के बारे में, ये जीवन जल क्या होता है, पवित्र आत्मा है जीवन जल। लेकिन देखो यहां पर ज्यादा करके महिलाएं हैं, आपको समझने वाला एक बात मैं बताएंगे, ये कलेसिया का सिखावट में जीवन जल, कैटेकिज्म 694 है लगता है, 694
वाटर, होली स्पिरिट इज लाइक वाटर, जीवन जल। 694 लिखिए, 694, ये बहुत अच्छा विषय है। उसमें लिखा है हरेक मनुष्य ईश्वर उनको पहले जन्म देते वक्त वो माँ का गर्भ में पानी में जन्म होता है। माँ का गर्भ में जो पानी वही है जीवन जल। अच्छा समझ में आया ना माँ, इतना माँ लोगों को जीवन जल मतलब जो माँ का गर्भ में जो बच्चा जो पानी में रहता है और वो पानी के द्वारा उनको सब कुछ ईश्वर देता है, समझ गया ना, उसको जीवन जल बोलता है। लेकिन बच्चा ये थोड़ा मैं नजदीक रखेगा, मेरा कैमरा में आने दो, प्रभु का प्रभु का, अच्छा ये खुशबू, ओके। तो जीवन जल क्या है, माँ का गर्भ में जो बच्चा को जिस पानी पर प्रभु ने लगातार जीवन और उसको क्या क्या चाहिए सब कुछ वो पानी के द्वारा देता है। किसी किसी का बीमारी ऐसा होता है कि गर्भपात में जो पानी चले गया तो क्या होगा, क्या होगा, बच्चा मर जाएगा। तो जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है दौड़ कर और डॉक्टर लोग कुछ ना कुछ करके शायद बच्चा को बाहर निकालता है, कोई बच्चा मर जाता है। अच्छा अभी याद रखिए, ये बच्चा हम लोग माँ का गर्भ में जो जीवन जल से बाहर निकला उसके बाद जल्दी से जल्दी गिरजा में बाप्तिस्मा का जल में डुबा देता है, बाप्तिस्मा का जल। तो क्या हो गया, हम प्रभु का बेटा हो गया, बेटी हो गया। वो बाप्तिस्मा का जल जो माता कलेसिया, कलेसिया एक मादा जैसा है, कलेसिया एक मादा है, मादा कलेसिया का गर्भ है। गर्भ मतलब सही है ना, मादा कलेसिया को एक गर्भ है, वो गर्भ में पानी है, वो क्या पानी है, पवित्र आत्मा। तो उनको एक नया जन्म मिलता है, उनका जो पहला जन्म माँ का गर्भ में वो भी वो प्रभु ही किया है, वो एक जीवन जल था। लेकिन उसके बाहर निकलने के बाद पवित्र आत्मा का जल में माता कलेसिया का गर्भ में बाप्तिस्मा का द्वारा उनको नया जीवन मिलता है और वो पानी लगातार रोज उनको जीवन देते रहता है पवित्र आत्मा। ये समझना चाहिए। तो पवित्र आत्मा हमको कैसे जीवन देता है, बहुत सारा तरीका से हम लोग अभी इन दिनों में सीखा है। प्रभु यीशु को जी उठाया पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु का जन्म में काम किया पवित्र आत्मा। लेकिन हमारे जीवन पे हमें आत्मा का फल, आत्मा का दान, ये दोनों बहुत जरूरी है। फल क्या क्या है, प्रेम, आनंद, शांति, वो वगैरह। प्रेम से बचिए, प्रेम वो तो मैं हम लोग कल देखा, लेकिन सिर्फ प्रेम से नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति बिना ज्ञान से प्रेम करेगा तो क्या होगा, है ना, ज्यादा नहीं बोलना अच्छा है ना।
बिना ज्ञान से किसी को प्रेम करेगा तो क्या होगा? समझ में आया ना? बोलने का जरूरत है तो ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान होना चाहिए बोलने से, उसको दूसरा तरीका से समझना चाहिए। ज्ञान प्रभु ने हमें दिया हुआ है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर निवास है, मतलब वो पवित्र आत्मा ज्ञान है। ये प्रभु ईसा भी ज्ञान है, और वो प्रभु ईसा ज्ञान से भरा हुआ प्रभु, उनका घरवाला है हम लोग। हम प्रभु को पिता बोलता है, प्रभु ईसा मसीह हमारा भाई है, पवित्र आत्मा हमारा सहभागिता करता है, तो हम प्रभु का घराना है। अभी प्रभु का घरवाला को प्रभु का जो ज्ञान नहीं मिलेगा तो दूसरा किसको मिलेगा? लेकिन अभी आपको मैं कुछ देना चाहता है, आपको मैं बोला देखिए आप इसको ले लिए, नहीं चाहिए तो मैं क्या करेगा? अरे ये पियो, ये पीने से आपको ज्ञान मिलेगा, नहीं चाहिए, मैं जो ज्ञान है वो काफी है। ठीक है, यही हमारा अवस्था है। तो बहुत परेशानी आता है, उसके बाद सब कुछ काम नहीं करता तो आएगा, हाँ भाई साहब मुझे वो दे दिए, वो क्या बोलता है वो दे दो। देखो एक दूसरा कहानी भी बताएंगे। एक फॉरेन कंपनी के, ये हमारा नेस्कॉफी बेलता है ना, नेस्कॉफी आप लोग नेस्कॉफी पीता है ना, वो तो थोड़ा बॉटल में आता है, लेकिन ये बनाता है, बहुत बड़ा कारखाना है, बहुत बड़ा कारखाना, 11 फ्लोर का ऊंचाई में बड़ा कारखाना है। और वो मैसूर में उसको एक कारखाना है, एक कंपनी का लोग स्विट्जरलैंड फॉरेन कंपनी का, तो लोग पेपर में अनाउंस किया वो कारखाना का ऊपर में उनको एक बहुत बड़ा मशीन चढ़ाना है, वो किससे हो सकता आ जाओ काम देने के लिए। तो ये मुझे लगा तो मुझे उसका एक आइडिया है, तो मैं गया। और जो उनका जो मालिक ने, तो उसका डायरेक्टर एक फॉरेन इंजीनियर था, वो पूछा, वो मुझे देख के ही उसको अच्छा नहीं लगा, ये इतना छोटा आदमी इतना ऊपर का काम करेगा। और मुझे पूछा कि आपके पास इतना ऊंचाई वाला क्रेन है क्या? क्रेन, क्रेन मतलब जो चीज को उड़ा के रखने वाला मशीन है, क्रेन। मैंने कहा मेरे पास क्रेन नहीं है, लेकिन मुझे एक आइडिया है। वो बोला नहीं, गेट आउट, गो, जाओ, तुमसे नहीं होगा। बहुत गुस्सा किया, कैसे करेगा? तो मैं बोला आप मुझे जरा बताने का अवसर दिए, नहीं होगा आपसे, जाओ। मैं नहीं गया, मैं इधर खड़ा होकर प्रार्थना की, हे प्रभु इनको कैसे समझाएगा। और वो बहुत गुस्सा में है, इतना बड़ा काम करने के लिए कोई क्रेन नहीं तो कैसे होगा? मैंने कहा मुझे कम से कम एक 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 सेंटेंस बोलने के लिए, एक एक बात कहने के लिए एक अवसर दीजिए। तो मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहता, पवित्र आत्मा मुझे सहायता करना। एक सेंटेंस, सेंटेंस को क्या बोलेगा, एक वाक्य, मुझे एक वाक्य बोलने का अवसर दे दो। वो एक वाक्य जैसा मैं, पवित्र आत्मा मुझे ज्ञान देगा कि उसके काम बनेगा। तो आखिर में वो बोला अच्छा बोलो, स्पीक वन सेंटेंस।
एक वाक्य बोलने के लिए मुझे अनुमति मिला। अब ये एक वाक्य में से द्वारा मुझे जो कुछ भी कहना है उसको समझाना चाहिए। मुझे मालूम भी नहीं था मैं क्या बोलूं, लेकिन मुझे लूक बारह बारह में क्या कहता है कि उसी वक्त पवित्र आत्मा तुमको ज्ञान देगा। उसी वक्त मुझे मुंह खुलेगा तो पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा बात करेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और ये जब ये फॉरेनर जब बोला स्पीक कम ऑन स्पीक, तो तुरंत मुझे एक आइडिया आ गया। तुम उनको एकदम समझने वाला एक बात मैंने कहा, सब सुनिए, सुन रहा ना? हाँ, जरा हाथ उठाइए आगे। देखो प्रभु का ज्ञान कैसे काम कर रहा है, देखना ज्ञान, प्रभु का ज्ञान। मैंने कहा देखो मैं इंडियन हूँ और हम लोग इंडियन ताजमहल बनाया, कोई क्रेन नहीं था। ताजमहल बनाया कैसे बनाया, उस वक्त क्रेन था क्या? इतने बोला, हम लोग ताजमहल बनाया बिना क्रेन से। उसका आंख ऐसा हो गया और उसके बाद वो थोड़ा मुस्कुराने लगा और वो बोला बैठो सिट डाउन, मुझे समझाइए कैसे करने वाला है। देखा एक सेंटेंस, क्या सेंटेंस बोला, क्या वाक्य बोला, हम लोग इंडियन लोग ताजमहल बनाया बिना क्रेन, वही एक वाक्य। लेकिन उसमें उसका दिमाग में पूरा जो समझ में आया। और उसके बाद वो बोला आप बोलिए क्या ऐसे करना है, तो मैं बोला वो तो नहीं बोलेगा भाई, वो मैं बोलेगा तो आप भी कर सकता है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, इतना पैसा मिलना चाहिए, उसके लिए मैं ये सब करता है, वो तो जरूर देगा, दूसरा किसी को यह आइडिया नहीं बताएगा, मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं बताऊँगा। मैं उसको ये आइडिया बताया तो वो इतना खुश हो गया और वो मुझे ऐसा गला लगाया। देखो थोड़ा पहले मुझे इतना गाली दे के भगाया था, लेकिन अभी मुझे एकदम गला लगाया। वो बहुत ताकत वाला था, मैं एकदम दब गया उसका अंदर। और देखो पैसा मुझे चाहिए था उस वक्त, मेरा बहुत जरूरी था। और उन्होंने क्या कहा मालूम है, आपने जितना पैसा मांगा है उससे डबल मैं दे दूंगा। आपने बहुत कम मांगा है, मैं आपको दो गुना इसके लिए पैसे दे, क्योंकि तुमने जो बताया है वो बहुत बड़ा बात है, मैं तुमको डबल पैसा दूंगा। देखा तो उसी वक्त वो काम इतना अच्छी तरह मैंने किया और मुझे बहुत पैसा मिला, मेरा सब कुछ परेशानी दूर हो गया। उसके बाद प्रभु ने बोला अभी तुम सब छोड़कर मेरे पीछे आ जाओ। मेरा वो सब ज्ञान रखते हुए मैं कारखाना नहीं तो कुछ काम कर सकता था, लेकिन प्रभु ने बोला नहीं अभी बस, अभी तुम मेरा काम पर एक ज्ञान लगाओ। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे पास परीक्षा का जरूरत होता है, पर ये सब को सुझाव कैसा है, ज्ञान, प्रभु का ज्ञान से के लिए प्रार्थना करेगा तो पैसा भी होगा। अभी देखो एक दूसरा, एक लड़की वो पढ़ा लिखा है
लेकिन उसका पिताजी बहुत दारू पीता है, कभी कभी दारू पी के सड़क पर पड़ा रहता है। और वो लोग आके मुझसे कहा, तो मैंने कहा देखो बेटी, तुम तो अभी पढ़ा लिखा हो गया, तुम अभी नौकरी करने का पहले एक 40 दिवस हमारा प्रार्थना सभा में जाकर 40 दिवस तुम थोड़ा उपवास प्रार्थना करो, फास्टिंग एंड प्रेयर, तो तुम्हारा पिताजी का बीमारी मतलब ये दारू पीना खत्म हो जाएगा और ईश्वर को तुम्हारे बारे में जो प्लान है वो सब समझ जाएगा। 40 दिन तो मैं और मेरा जो टीम है सब लोग 40 दिन उपवास किया है। 40 दिन सबसे पहले मुझे ही प्रभु ने कराया, तब तो सबों को उसका असर मिल गया। मैं 40 दिन सिर्फ थोड़ा पानी और थोड़ा कन्नी का पानी है ये सब पी के रहा, प्रभु मुझे शक्ति दिया और उस वक्त वचन खाते रहा, वचन पढ़ते रहा, मिसा बलिदान को अच्छी तरह भाग लिया, वैसा मुझे भूख नहीं लगा, भूख ही नहीं लगा, भूख नहीं लगा तो कैसे खाएगा। तो ये लड़की को मैंने कहा तुम वो प्रार्थना करने लगा, वो प्रार्थना सब होने के बाद वो खुशी से घर चले गया। उसी वक्त इनका पिताजी का दारू पीना बंद हो गया, हालेलुया। देखो ये दारू पीना बहुत मुश्किल है बंद होने के लिए, किसी को बहुत मुश्किल है, इतना आसानी से नहीं होता है, बहुत प्रार्थना का जरूरत है। अच्छा ये आदमी का काम था, इनका पिताजी का काम था जो शादी मिलाने के लिए, शादी का ब्रोकर था, शादी का ब्रोकर, जो कोई शादी के लिए आएगा उन लोगों को दूसरा लड़की लोगों को सब दिखा के वो शादी का ब्रोकर बोलता है। अमेरिका से एक डॉक्टर आया उनके लिए, वो लड़की देख रहा है, कम से कम 10 लड़कियों को वो चुन के रखा था, ये डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उनको वो उनको अच्छा नहीं लगा, मतलब उनको मन में वो बराबर नहीं लगा, तो जाने वाला है अभी। तब ये लड़की का पिताजी बोला देखो ये एक दूसरा लड़की है, वो तो बहुत गरीब घर का है, आपको देखना चाहता है क्या? हाँ देखेगा, गरीब होने से क्या है, मुझे तो कोई पैसा का जरूरत नहीं, मैं डॉक्टर हूँ और मुझे बहुत पैसा अमेरिका में है, मैं यहाँ का लड़की का पैसा लेने का जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा तब मैं दिखाऊंगा, कौन है इनका अपना लड़की। तो ये लड़की को दिखाया, लड़की को दिखाया तो उसको इतना अच्छा लगा, अरे यही तो मेरा पति, ये मुझे चाहिए, इनको ही मुझे चाहिए। उसके बाद ये बोला डॉक्टर मुझे माफ़ करना, मैं आपको एक चीज़ नहीं बोला, ये तो मेरा ही लड़की है। तो आप पहले क्यों नहीं बताया, उल्टा बोलता है, देखो मुझे इनको चाहिए, मैं इसको लेके जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। अब बोला मेरे पास एक भी पैसा नहीं, शादी का खर्चा के लिए भी पैसा नहीं है, बेफिक्र रहिए, आपको सब कुछ मैं दे दूंगा, शादी के लिए खर्चा, उसको जो कुछ भी सोना चांदी लेना वो सब कुछ मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे ये लड़की चाहिए। देखो प्रार्थना करने से वो असम वो कोई सोच नहीं सकता था। अभी अमेरिका में वो डॉक्टर के बहुत अच्छा परिवार, बहुत साल हो गया, बहुत अच्छा परिवार जी रहा। हमारा समस्या परिवार का है ना, हम लोग बच्चे के बारे में सोचता है, लड़कियों को बारे में सोचता है, इनको कैसे
उनके लिए अच्छा एक पति को कैसे कैसे मिलेगा। आजकल बहुत कुछ हम लोग सुनता है, शादी के बाद झगड़ा होता है, शादी छोड़ देता है, सब कुछ। क्योंकि सबसे पहले उनके लिए प्रभु ने कौन चुना है उसको तो हम लोग समझना चाहिए ना। तो ये सब ईश्वर का ज्ञान से होता है, ईश्वर का ज्ञान। तो आइए थोड़ा देरी हम प्रार्थना करें। हमारा सिर्फ यही प्रार्थना है, हे प्रभु पवित्र आत्मा, आप दोनों हाथ हृदय पर लगाते हुए, हे प्रभु पवित्र आत्मा, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए। हे प्रभु पवित्र आत्मा, मुझे ज्ञान दीजिए, प्रज्ञा दीजिए, बुद्धि दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, धैर्य दीजिए। जरा खड़े होकर स्तुति करते हुए, हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझे ज्ञान दीजिए, प्रभु ज्ञान दीजिए। ऐसे ही प्रार्थना करो, ज्ञान दीजिए, प्रज्ञा दीजिए। प्रभु पवित्र आत्मा, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे मालूम नहीं कैसे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। हे पवित्र आत्मा, मुझे ज्ञान दीजिए। सब लोग प्रार्थना कीजिए, हालेलुया हालेलुया। शाला हला वाला, आप अपने आप कीजिए, अपने आप प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, अपने आप प्रार्थना कीजिए, एकदम दिल का गहराई से प्रार्थना कीजिए, दिल का गहराई से प्रार्थना कीजिए। प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए, प्रख्या दीजिए। हे प्रभु हालेलुया हालेलुया। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु पवित्र आत्मा, सबों को ज्ञान दीजिए प्रभु, अपने ज्ञान दीजिए प्रभु। हे प्रभु पवित्र आत्मा, सबों का जीवन पर आपने क्या कैसे करना है वो ज्ञान दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु पवित्र आत्मा, ओ सृष्टिकर्ता प्रभु, आपने कितने सुंदर रीति से सब कुछ सजाया है। ये फूल, उसका खुशबू, ये सब प्रपंच, ये सृष्टि प्रपंच, ये सब कुछ को आपने बनाया। वो ज्ञान हमें दीजिए, वो ज्ञान हमारा हृदय में दीजिए। वो ज्ञान पवित्र आत्मा, वो ज्ञान मुझ में दिया हुआ है, वो ज्ञान से हमारा जीवन को संचालन करने के लिए। सब लोग ऊंची आवाज से हालेलुया 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 हालेलुया। ज्ञान दीजिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु पवित्र आत्मा, ज्ञान दीजिए। शाला हला बला हला बला हला बला। बैठिए बैठिए। अभी अभी हम लोग ऐसा ऊंची आवाज से प्रार्थना कर सकता है, लेकिन देख सुनिए, आप लोग खास करके पारिवारिक लोग और सिस्टर लोग भी बड़े सवेरे उड़कर ऐसा ऊंची आवाज से प्रार्थना होता नहीं है, हो नहीं सकता, तो बच्चा लोग उड़ जाएगा, है ना। आप बोलेगा हम बिस्तरा से उड़ेगा तो बच्चा उड़ेगा, तो कैसे प्रार्थना करने के लिए जाएगा। बस उस बिस्तरा में ही लेटे रहे। बच्चे उड़ने के पहले आप निशब्द में प्रार्थना करना चाहिए। हे प्रभु, मुझे ज्ञान दीजिए, ताकि ये ज्ञान मेरे बच्चे पर जाने दो। कोई बच्चा उड़ते उड़ते कितना भी करने से करते करते, अरे क्या परेशानी है, क्या चाहिए तुमको, यही सुबह। और बाद में माँ को लगता है कि थोड़ा 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 दूध पिला के देखता है, दूध पिलाया तो तो उसको सुबह सुबह भूख लगता है, उनको कुछ दूध ही देने से काम हो जाता था। लेकिन हम लोग दूसरा परेशानी में सब बिजी है, उनको क्या चाहिए यह समझना ज्ञान है। तो पहले ही हम लोग ऐसा करो, बच्चों उड़ने के पहले उसका अंदर ज्ञान भेजो, ज्ञान। तो धर्म ग्रंथ में लिखा है, आइसाइस का नाम पत्र में, आइसाइस 59 को क्या बोलता है, 59 60 से एक कम, 59 है, 59 मतलब 60 से एक कम, करेक्ट, 59 59 21 आइसाइस
59 में ये लिखा है, ये बहुत 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 बड़ा ज्ञान है। देखिए प्रभु ये कहता है, ये तुम्हारे लिए मेरा विधान है, मतलब मेरे साथ तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट विधान है। मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, मैंने तुम्हारे मुंह में जो शब्द रखे हैं वचन, वे अब से और अनंत काल तक न तो तुम्हारे मुंह से, न तुम्हारे पुत्र के मुंह से और न तुम्हारे वंशजों के मुंह से अलग होगा। और एक बार सब लोग दोहराइए, दोहराते हुए बोलिए, प्रभु यह कहता है, यह तुम्हारे लिए मेरा विधान है, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, मैंने तुम्हारे मुंह में जो शब्द रखे हैं वे अब से और अनंत काल तक न तो तुम्हारे मुंह से, न तुम्हारे पुत्रों के मुंह से और न तुम्हारे वंशजों के मुंह से अलग होगा। और क्या जरूरी है, और क्या चाहिए आपको? तो हमें जानना चाहिए, ये नया विधान के बारे में लिखा है, जो नया विधान में प्रभु यीशु का वाणी और प्रभु की आत्मा, देखो मैं तुम्हारे, यह तुम्हारे लिए मेरा विधान है, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा और कभी नहीं छोड़ेगा, है ना? और क्या रहेगा, मैंने तुम्हारे मुंह में जो शब्द रखे हैं, शब्द मतलब कौन है, ईश्वर का वचन, ये दोनों प्रभु ने हमें दिया है, सिर्फ व्यक्तिगत रीति से हमारे लिए नहीं, वो जो मुझे दिया है, वो जो आपको दिया है, वो आप में से बाहर नहीं जाएगा, और प्रभु का वादा क्या है, और आपका पुत्र से पुत्रियों से भी नहीं जाएगा, और आपका पुत्र आपका वंशजों से भी नहीं जाएगा। हालेलुया, ये जोर से पकड़ना। ये देखो अभी मेरा जीवन में देखो, मेरा पिताजी का पिताजी, मेरा क्या बोलता है, ग्रैंडफादर, मेरा नाना है, हाँ परदादा, उसको बाइबल पढ़ने का बहुत दिलचस्पी था, क्योंकि हमारा गांव में कुछ यहूदी लोग था और एक वैद्य था, एक डॉक्टर था वैद्य, तो ये यहूदी लोग उनके पास आता तो हमेशा धर्म ग्रंथ का लेकर आर्ग्यूमेंट करता, तो उनके पास उनको उत्तर देने के लिए नहीं है, तो उन्होंने बिशप स्वामी के पास जाके बोला मुझे एक बाइबल चाहिए। उस जमाने में बाइबल लोगों के पास नहीं देता था, तो बिशप स्वामी ने लिख के उनको दे दिया, एक बाइबल लिखने के लिए बाइबल भी दिया, और दूसरा किसी के पास बाइबल नहीं है, वो इलाका में सिर्फ मेरा वो दादा के पास ही बाइबल, उसको ऐसा रखने चाहिए कि उनको इतना बड़ा एक बहुमूल्य निधि मिला है, वो बांध के रखता था और वो स्वयं रोज सुबह उठकर पढ़ता था और शाम को हर एक लड़का लड़की एक अध्याय नहीं पढ़ने से खाना नहीं है। तो मेरा पिताजी को इसलिए उनके साथ पढ़ना पड़ा, तो मेरा पिताजी भी पढ़ने लगा, तो उसके द्वारा ये वजन के द्वारा क्या हो गया, वो उनका पुत्र और पुत्र का पुत्र मई, मुझे भी वही मिला।
अभी क्या हुआ, मेरा पुत्री, मेरा लड़की उसको भी ऐसा हुआ। मतलब ये वचन इतना जोर है। और एक दिन एक माँ बाप मेरे पास आके रोने लगा, उनका लड़की डॉक्टर पढ़ाने के लिए गया था, डॉक्टर हो गया, लेकिन वो आके बोलता है कि मुझे एक मुस्लिम लड़का से प्रेम है और मैं उसके शादी करके मुसलमान बनेगा। ये क्या बात करता है, ये इनका माँ को तो बेहोश होके गिर गया। पिताजी पता नहीं क्या करेगा, इतना तकलीफ लेके पढ़ा लिखाया, दूर पर जाके बहुत बड़ा बड़ा डॉक्टर बनाया, लेकिन धर्म नहीं दिया, ईश्वरीय ज्ञान नहीं दिया। बोलता है कि मैं एक लड़का से प्यार है, तो पिताजी माता जी बोला तो तुम वो लड़का को जो कल देखा है उसके साथ प्यार करते हुए हम सबों को, तुम माँ बाप के साथ प्यार को काट के छोड़ देता है क्या? यही आजकल का अवस्था। तो ये माँ बाप मेरे पास आके पूछा, ब्रदर जी मैं हम लोग क्या करूं? मैंने कहा पहले चीज आप ये सोचो, आप क्या नहीं किया, आप तो पैसा बनाया, आप उनको पढ़ाया लिखाया, लेकिन उनको एक वचन आप दिया क्या? उनका अंदर ईश्वरीय ज्ञान है क्या? ये क्या ईश्वरीय ज्ञान है क्या? जो लड़का को कल देखा है उसके लिए अपना जिंदगी सब छोड़कर, अपना माँ बाप को छोड़कर, अपना कलेसिया छोड़कर दूसरा धर्म में जाना ज्ञान है क्या? तो हमें ये समझना चाहिए, ये बेचारा ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो आप पछतावा करना चाहिए, प्रभु हम बच्चों को सब कुछ खरीद के देता है लेकिन ईश्वर का वचन, ईश्वर का ज्ञान नहीं देता है। और इन लोग स्वयं ये बाइबल नहीं पढ़ता था। तो मैंने कहा ये वचन देके, कहा आप ये वचन के अनुसार रोजानी बड़े सवेरे उठकर ईश्वर का वचन पढ़ो, पवित्र आत्मा से ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करो और ये विश्वास करो ये वचन के अनुसार आपका मुंह में जो वचन होगा, आप में जो पवित्र आत्मा होगा, वो अपने आप आपका बच्चों पर जाएगा। बोलिए हालेलुया, और एक बार बोलिए, और आमीन बोलिए। यही हमारा परिवार में करना बहुत जरूरी है। परिवार का समस्याएं बहुत बुरा होने वाला है आने वाला दिनों में, क्योंकि एक ही चीज है, यही चीज है। बच्चा लोग इसका भी क्या बोलेगा, बच्चा लोग क्या, हम लोग माँ बाप भी इसको लेके एक दो लेके चलता है, उसमें सब कुछ देखता है, लेकिन मुझे 4,000 व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, 4,000 लोग, 4,000 लोग को मैं रोज प्रभु का संदेश देता है रोज, समझिए ना। तो इसका अच्छा उपयोग भी है, अच्छी तरह उपयोग कर सकता है। अच्छा, तो ये जो माँ बाप, इसका वजह से ये जो प्रश्न का वजह से उन लोग रोज सुबह उठकर ईश्वर का वचन और पवित्र आत्मा को प्रार्थना करते हुए, ये विश्वास करते हुए, हे प्रभु मैंने गलती किया, मैं बच्चों को खाना पीना दिया, पढ़ाई दिया, लेकिन उनको ईश्वर का वचन नहीं दिया। लेकिन ईश्वर का वचन देने के लिए वो पहले मुझ पर भर दीजिए ईश्वर का, ऐसा प्रार्थना किया। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं क्या 15 दिन के बाद, सिर्फ 15 दिन ये किया तो 15 दिन के बाद ये लड़की फोन करके इन लोगों को पूछने लगा, आप लोग क्या विचार किया है आपका क्या विचार है इसके बारे में? तो लोग मुझसे पूछा, हमारा क्या विचार है, हमको दूसरा कोई विचार